जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो। दोस्तों आज है 2 तारीख और आज है धनतेरस। मेरी लाइफ में धन के अलावा सब कुछ है, तो भगवान करे धन भी आया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी लोग ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में खूब सारा धन आए। और आज के दिन भी ऑफिस है, मतलब मेरा लाइफ में कभी भी ऑफिस होगा ना, मैं अपने कलीग्स को सिर्फ सैटरडे संडे बुलाऊंगी। तो अभी से अप्लाई कर लो, जिन लोगों को भी छुट्टी ज़्यादा चाहिए। 5 दिन आप लोगों की छुट्टी होने वाली है और सिर्फ सैटरडे संडे आपको आना है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाहर है ना, हमको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो बहुत ही छोटा सा मतलब वीडियो बनेगा क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तो चलिए जल्दी से बाहर चलते हैं। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हमने की है पानी से। मैं लूपवॉर्म वाटर पीती हूँ, आप किसी भी तरह का कर रूम टेम्परेचर वाला पानी पी सकते हैं। अब हम एक एप्पल खाएंगे, कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी हो घर में आप खा सकते हो। तो दोस्तों आज नाश्ते में क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया है गेह दाल का पराठा। पहाड़ी लोगों का फेवरेट होता है गेह दाल का पराठा, तो वहाँ का बहुत फेमस है। उसी के साथ मैं कॉफ़ी ले रही हूँ। और अभी ना आजकल मैंने एक नई चीज़ की है कि मैंने अपने जितने भी बर्तन हैं, कोशिश किया कि मैं अपने बर्तनों को मिट्टी के बर्तनों में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मेरे पास एक बोतल में लेके आई थी, वो भी मिट्टी की है, और इस तरीके का एक ग्लास लेके आई हूँ जिसमें मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। कॉफ़ी मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। जितना मैं दूध लेती हूँ उतना ही मैं पानी लेती हूँ, क्योंकि दूध में भी फैट होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम फैट का कंजम्पशन करूँ। तो ये देखिए कॉफ़ी मेरी तैयार है, उसके साथ एक गेह दाल का पराठा है। इसे हमने घी में बनाया है। इस डाइट में हमें ऑयल को एकदम अवॉइड करना है और घी और सरसों के तेल का ही यूज़ करना है। अब हम आ गए हैं लंच में। तो लंच में मैंने खाया है बेसन का चीला, इसे भी मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया था और बेसन में बहुत सारी वेजीज बना के इसे बनाया। तो इसे मैं खाऊंगी, हर एक बाइट को हम 32 टाइम बैठ के चू करके खाएंगे, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इवनिंग स्नैक्स में आज मैंने पिया है मंचाओ सूप, यमी वन। सो अब हम आ गए हैं डिनर में। डिनर हम 7 से 7:30 के बीच में कर लेंगे, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। तो डिनर में मैंने सबसे पहले ये खाई थी ग्रीन वेजिटेबल, फिर मैंने ये खाया था मल्टी दाल ढोकला। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगी। इतना सारा ढोकला नहीं खाया था, सिर्फ 2 पीसेज ही खाए थे, तो बहुत ही मतलब ज़्यादा पेट भर गया था। अब हम आ गए हैं धनतेरस की शॉपिंग के दिन। तो दोस्तों धनतेरस की शॉपिंग का मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी बहन बहुत दिनों से नहा नहीं रही, मतलब बहुत दिनों से क्या 2-3-4 दिनों से नहीं नहा रही है, और जैसे ही वो ये ब्लॉग देखने वाली तो पक्का मेरी पिटाई होने वाली। तो वो नहा नहीं रही है, और उसका एक ये लॉजिक है कि जब हमारे घर में गीज़र आ जाएगा ना तब मैं नहाऊंगी। तो हम धनतेरस की शॉपिंग में हमने सोचा हम कुछ नहीं लेंगे, हम गीज़र ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी गीज़र देखने के लिए आए थे, पर हमें इतना मतलब गीज़र जचा नहीं, तो हमने सोचा कि हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो यही गीज़र की शॉपिंग के लिए हम देख रहे थे कि हम क्या क्या घर के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये टीवी बहुत अच्छे लगे। अभी हमारे घर में टीवी थोड़ा छोटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हम टीवी को भी रिप्लेस कर दें। और हमको एक तो 5 लीटर्स का गीज़र चाहिए और एक 3 लीटर्स का चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अब ज़्यादा ठंडी होगी तो फिर किचन में भी गीज़र हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मम्मी बर्तन वर्तन धोती है। तो इसलिए मैंने सोचा 3 लीटर्स का भी ले लेते हैं, और बाथरूम के लिए 5 लीटर्स का ले लेंगे। वो हमारी फैमिली के लिए इनफ है, क्योंकि मेरे पापा हमेशा चाहे जितनी भी सर्दी होती है ना, उतनी सर्दी में वो ठंडे पानी से ही नहाते हैं, क्योंकि उनको गर्म पानी से एलर्जी है, तो वो नहीं नहाते हैं। अब हमने धनतेरस की शॉपिंग में दोस्तों ये गीज़र का प्लान तो कैंसिल कर दिया। फिर हम आ गए थे दिए में। और दोस्तों हमारे घर में हम कोशिश करते कि हम इसी तरीके से स्ट्रीक्स वाले दिए लें, क्योंकि हम मतलब मम्मी का ऐसा कहना है कि मार्केट से हम दिए नहीं लेंगे, इसी तरीके से स्ट्रीक्स से हम दिए लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी डिफरेंट तरह की चीज़ें। और दोस्तों ये जो मिट्टी का है ना मतलब स्ट्रीक, ये मेरे घर के बहुत पास है, तो यहीं से मैंने वो कप लिया था और एक बोतल ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि बस मिट्टी का बहुत सारा सामान है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना ज़्यादातर सामान मिट्टी के बर्तन में बना दें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक हमने ये भी लिया है, इसमें हम खाना बनाएंगे अब से, हेल्दी भी होता है। और ये बोतल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोतल मैं ले चुकी हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके अलावा भी इनके पास बहुत सा मटेरियल है। आज हम ये इस तरीके का वेसल लेके जा रहे हैं,
और इनके पास तवा ववा था वो हम लास्ट में लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी शॉपिंग ख़त्म हो जाती है और हमने आज लिया है एक झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू लेने से आपके घर में बहुत समृद्धि आती है, तो आप भी ले लेना नेक्स्ट टाइम अगर आपने नहीं लिया है। तो हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन, भगवान करे आपके घर में खूब सारा धन आए। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।